إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق नहीं मौत किसे नो छोड़ दीजे नहीं मौत किसे नो छोड़ दीजे चुन चुन के कलिया तोड़ दीजे मुख प्यारे वल्लों मोड़ दीजे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह रख याद कबर दिया कंदानू
भुल न जावी कफन दया वंदानू छड जानाई जरफ जंदानू पढ़ो ला इलाहा इल्लल्ला। हर किस्म दी हमदो सनाम हमदा सनावा किबरियाई बड़ाई तरीफात अल्लाह वहदहू ला शरीक दी जात वास्ते है। बेशुमार ला तादाद बेहदो हिसाब दुरुदो सलाम इमाम आजम इमाम कायनात इमामुल मुजाहिदीन इमामुल मुरसलीन जगां दे पीर रब दे हबीब आमीना दे लाल शीमा दे वीर सारी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सब भाई जाग के मोहब्बत नल पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात आज जो तालबे इलम तुहाडे कोल उनवान लैके हाजिर होया है जो पैगाम और जो मैसेज मैं तुसा अहबाब नूं देना है वो है कबर और हशर की तैयारी। हजरात जिस बंदे नूं आखरत दी फिक्र होए कबर दा डर होए खुदा दी कसम वो बंदा कदी भी रब दी इबादत तो गाफिल नहीं हो सकता। आओ मैं बिला तमखीद बात नूं शुरू करना चाहना मेरे और तुसां दे पीर मुर्शद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात मैं कोशिश करांगा कि मुख्तसर टाइम दे अंदर ज्यादा तो ज्यादा अल्लाह पाक दा कुरान और मक्की मदनी सरकार सरकारे मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा फरमान मैं तुहाडियां झोलियां दी जीनत बना देवां। हजरात अल्लाह पाक अगे दुआए कि जितने तुसा अहबाब जुमा पढ़न वास्ते आए हो अल्लाह पाक तुहाडी सबना दी हाजरी नूं अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए और साडे सारियां वास्ते नजात दा जरिया और सबब बनाए। हजरात तवज्जो मेरे वल करोगे तो तुहानूं बात समझ अंदर आएगी। मैं कोई दुनिया दीआं किताबां दीआं गल्लां नहीं हदीसे मुस्तफा और रब दे कुरान दी गल तुहाडे सामने करनी है। तवज्जो मेरे वल होनी चाहीदी है। नबी पाक दी हदीस है इस्तकबल्लाहु लिवजूहिना आला मिंबर जदों खतीब मिंबर ती होए फिर उंदे वले वेखिया करो आंदा की ये बयान की करदा गल पूरी गौर फिक्र नाल सुननी चाहीदी है। अल्लाह पाक तुहानूं जिंदा और सलामत रखे आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया लोगो कब्रस्तान जाया करो कब्रानू देखिया करो क्यों जदों तुसी कब्रस्तान जाओगे कब्रानू देखोगे तुहानू भी मौत याद आएगी तुसी आखरत दी तैयारी करने वाले बन जाओगे। दूसरी हदीस मेरे और तुसां दे पीर मुर्शद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया लोगो मौत नूं कसरत नाल याद करया करो क्यों ए दिल दियां ख्वाहिशात नूं ए नफ्स दियां ख्वाहिशां नूं मार देण वाली चीज है। और खुदा दी कसम जो बंदे दे दिल अंदर मौत होए मौत दा डर होए ईमानदारी नाल दसो बंदा कदी भी रब दी इबादत तो गाफिल हो सकदा नहीं हो सकदा। हजरात फिर बंदा लोगों ते जुल्म नहीं करेगा ज्यादतियां नहीं करेगा किसे दा हक नहीं दबाएगा। हजरात अल्लाह पाक नाल बेवफाई नहीं करेगा। जितों दिल अंदर मौत होए यार एक दिन मर जाना है दुनिया छड़ जानी है सब कुछ इत्थे रह जाना है अल्लाह पाक दी मैं और तू मुलाकात करनी है। हजरात ऐ अल्लाह पाक दा कुरान मेरे हाथ अंदर है सूरत आले इमरान है चौथा पारा अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने मेरे ते नहीं यकीन ते कर जाके तर्जमे वाला कुरान पढ़ ली अल्लाह करे मैं और तू कुरान सुन के अमल करने वाले बन जाइए आमीन। को फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
कुल्लु नफसिन ज़ाइकतुल मौत व इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। हजरात जेड़ा भी जानदार चीज जेड़ा बंदा दुनिया दे आया है उन्हें मौत दा जाका चखना ही चखना है। हजरात हर जानदार मरन वाला मौत दा जाका चखन वाला है। फरमाया वा इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। हजरात क़यामत दा दिन होएगा हर जान उंदा पूरा पूरा बदला दे दिता जाएगा। और मियां जो दुनिया ते रह के नेकियां करदा रहे हैं जो दुनिया ते रह के गुनाह करदा रहे हैं अल्लाह पाक पूरा पूरा बदला दे देंगे। फरमाया फमन जुहजिहा अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फकद फाज। ऐ दुनिया कायनात दे लोगो तुसी जानना चाहते हो इस कायनात अंदर कामयाब बंदा कौन है? और मियां जेड़ा कयामत दा दिन होएगा जहन्नम दी अग तो बचा के अल्लाह पाक दी जन्नत अंदर दाखिल कर दिता जाएगा। फकद फाज तहकीको बंदे कामयाब होने वाले ने। अज मेरी तेरी नजर अंदर कामयाब बंदा होए जिंदे जिंदे कोल दुनिया दा माल दौलत ज्यादा है जिन्हों रब ने दौलतां दे दितियां ने जिन्हों अल्लाह पाक ने माल अता कर दिता है। मैं तो आने यार ओ फलां बंदा कामयाब हो गया है फलां बंदे नू अल्लाह पाक ने कामयाब कर दिता है। लोगो रब दा कुरान आंदा नहीं नहीं कामयाब बंदे ओ ने जेड़े कयामत वाले दिन जहन्नम दी अग तो बचा के अल्लाह पाक दी जन्नत अंदर दाखिल कर दिते जाणगे। अगे फरमाया वा मल हयात दुनिया इल्ला मता उल गुरूर। ए दुनिया दी जिंदगी धोखा फराड है हजरात इस तो इलावा कुछ नहीं। ए रब दा कुरान कह रहे है आज जिस दुनिया नाल तू प्यार करके बैठे जिन नाल तू मुहब्बतां कर रहे है और जिस दुनिया दे लोभ अंदर आके दुनिया कायनात दा हर गुनाह कर चुके हैं हजरात रब दा कुरान कह रहे है ए दुनिया धोखे तो इलावा कुछ नहीं बेवफा दुनिया है। हजरात वफा दी उम्मीद इस दुनिया को लो कोई नहीं। एक और मुकाम दे अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे फरमाया वा अनफिको मिम्मा रज़कनाकुम मिन कबली अय्यातिया अहदकुमुल मौत। ऐठाइमा पारा सूरत मुनाफिकून एंड हो रही है। फरमाया वा अनफिको मिम्मा रज़कनाकुम मिन कबली अय्यातिया अहदकुम मुल मौत। हजरात जेड़ा माल अल्लाह जुल जलाल ने थानू दिता है उस माल नू आसमान वाले रब दे राह दे अंदर खर्च कर लो इस तो पहले के थानू मौत आ जाए इस तो पहले के अल्लाह जुल जलाल दा पैगाम आ जाए। अते हजरात जो मौत दा हुक्म आ जाएगा जो मौत दा आर्डर ते पैगाम आ जाएगा बंदा कहेगा फाया कोला रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब फासद्दक वाकुम मिन सालहीन। या अल्लाह मैनू थोड़ा जा टाइम
टाइम दे दे अल्लाह मैनू तोड़ियां जियां मोलतां दे दे या अल्लाह मैं सदका कर लवां अरशा वाले या रब्बा मैं खैरात कर लवां सदका खैरात करके तेरे नेक ते मुसलमान मोमन बंदियां विच शामिल हो जावां। लेकिन अल्लाह जुलजलाल ने ऐलान कर दिता है फरमाया वलयो अखिर अल्लाह नफसन इजा जा अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलू। हजरात जिथे जिंदा टैम आसमान वाले रब ने लिख दिता है मौत ने आके पंजे कट देने ने मौत ने आके दबोच लेना है इस मौत ने मौलता नहीं देनिया। आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगो मेरे पाक पैगंबर दा यार है हजरत अबू दरदार रज़ी अल्लाह ताला नो हज़रात आखरी टाइम है आखरी वेला पैगंबर दा यार आंसू बहाई जा रहे है और लोगो अबू दरदा रोई जांदे ने बीबी आंदी है अबू दरदा तू ते आमीना दे लाल दा यार है तू ते नबी पाक दा सहाबी है फिर क्यों गम करना है फिर क्यों परेशान होना है। अबू दरदा फरमांदे ने अल्लाह वालिए मैं नबी पाक दा सहाबी हाँ आमीना दलाल दियाँ खिदमत कीतियाँ ने लेकिन कल कयामत दा दिन होएगा पता नहीं मैं अबू दरदा दे कोलों किस गुणा की पुछोनी है किस गुणा की वजह तो मैं फड़िया जावा मैनू डर आंदा अंजाम पता नहीं की बनेगा। हजरात अज मैनू तेनू फिकरां दुनिया दे माल दियाँ अज मैनू तेनू फिकरां दुनिया दियाँ जदाद दियाँ। हजरत सुलमान फारसी रजी अल्लाह ताला नो हजरात इंज एक दिन लोगों नू जमा कीता है ते जमा करके आंदे ने दुनिया वाले ओ इस दुनिया ते इस अंदाज नाल जिंदगी बसर करो जिमें बंदा किते मेहमान जांदा है दो चार दिन रहना हुंदा है फिर जिंदगी गुजार के वापसी चला जांदा है। एक और सहाबी मेरे पाक पैगंबर दा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो लोगो मेरे पैगंबर दी जुबान विचों 5774 हदीसा रवायत करन वाला नबी पाक दा पैगाम मेरे पैगंबर दी उम्मत तक पहचान वाला हजरत अबू हुरैरा ऐ लोगो आखरी टाइम में अज मैनू तेनू आखरी टाइम अंदर जदादा दियां फिकरां ने मैं फलां जदाद फलां पुत्र दे नां ला देवां फलां फलां दे नां ला देवां। हजरात सानू मरन लगियां भी दुनिया दियां फिकरां ने ओए पैगंबर दा यारे आखरी वेला है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो आंसू बहाई जांदे ने साथी आंदे ने अबू हुरैरा की गल क्यों आंसू बहांदे हो क्यों गम करदे हो। ते हजरात पैगंबर दा यार रो के कुरान पढ़दा है बल तो सिरो नल हयात दुनिया मैं फानी दुनिया गुजार के जा रहा वा ऐ आरजी दुनिया आ बेवफा ते दुखे दी दुनिया गुजार के जा रहा वा मेरा आखरत दा सफर बड़ा लंबा है पर कबर हशर दा परो सीजन बड़ा लंबा आखरत दा सफर बड़ा लंबा चौड़ा है मेरे कोल नेकियां वाला ज़्यादे रात थोड़ा है अंजाम पता नहीं की बनेगा।
और पैगंबर दा यार कह रहे है आखरत दा सफर बड़ा लंबा चौड़ा, नेकियां वाला ज़ादेरा थोड़ा है, अंजाम पता नहीं की बनेगा। अज सानू फिकरा दुनिया दे माल दियां, अज मैनू तेनू फिकरा दुनिया दे जदाद दियां। एक सियाबी नबी पाक दा आया, आके आंदा सोने ओ कुछ ऐसा अमल दस दियो मेरी आखरत बन जाए। की बन जाए? आखरत बन जाए। आका फरमांदे तू मुअज्जिन बन जा, अजान दे आकर जितों दिकरा अजान देने वाले दी आवाज जाएगी। हजरात कयामत दा दिन होएगा, उतों दे पत्थर कैंकर कयामत वाले दिन उनके हक अंदर गवाह बन जाएंगे और मुअज्जिन हजरत बिलाल दी कियादत अंदर होंगे। ते आज लोग साडे कोल भी आकर सवाल करते ने, पता की आंदे ने, हजरत जी को इंज दा तवीद दियो जेब अंदर रखिए ते जेब आपे नोटां नाल भरी जाए। लो इंज दा तवीद दियो, दुकान ते मत्थे ते ला दईए, सारी मार्केट दे गाहक साडे कोल आ जान। हैं इंज दा तवीद दियो, गड्डियां दो ने ते चार हो जान, बंगले पंज ने ते छे हो जान, मुरब्बे दो ने ते चार हो जान। ऐ दुनिया दे माल दियां फिकरां ने हजरात, दुनिया दे माल ने सानू रब ते रब दे रसूल दा गुस्ताख बना दिता है, रब दा नाफरमान बना दिता है। लोगो अल मौतु कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहा वल बाबु कबरुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहा। हर जानदार मौत दा जायका चखण वाला है और हर जानदार कब्र दे दरवाजे विचो गुजर के जान वाला है। कब्र नू उड़ीका नित रहिंदियां ने तेरियां, मौत घर तेरे रोज मार दी ए फेरियां। कल्ला इत्थे आया है ते कल्ला इत्थों जाना ही, धियां पुत्तां तेरे आना कम तेरे आना ही। दिन रात जिन्ना ले तू करे हेरा फेरियां, कब्र नू उड़ीका नित रहिंदियां ने तेरियां। आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगो मेरे पैगंबर दे किरदार ते गौर करे, अजे जिस नबी नू रब ने दो जहाना दा ताजदार बनाया है, जरा मेरे पैगंबर दी जिंदगी ते गौर करे। अजे एक दिन आमीना दे लाल ने सहाबा नू नाल लिया, मेरे पाक पैगंबर सफर ते जा रहे ने, रस्ते अंदर कब्रस्तान आया, कोई कब्र कढ़न वाला बंदा हजरात कब्र दी मिट्टी कढ़दा पे है। मेरे आका रुक जांदे ने कब्र दी मिट्टी ते आमीना दे लाल बह जांदे ने। लोगो इंज कब्र दी मिट्टी नू हाथ अंदर पकड़िया है, मेरे पैगंबर ने सहाबा वल कीती है। और लोगो रावी बयान करदा है नबी पाक दे हिंजू इतने इतने ज्यादा आंसू मेरे पाक पैगंबर दे ने, हजरात दाढ़ी भी हिंजुआ नाल तर हो जांदी है। मेरे आका फरमांदे ने परवाने हो ओए मेरे सहाबियो, यार ऐसे दिन दी तैयारी कर लो, कब्र दी तैयारी कर लो, हशर दी तैयारी कर लो। ए आखरत दियां मुश्किल तरीन गांठियां विचों सब नालों मुश्किल गांठी है, सब नालों पहली गांठी है। मेरे पाक पैगंबर कब्र नू याद कर कर के रोई जांदे ने, हाय मेरे अल्लाह अज मैनू तेनू ते फिकरां कोई नहीं। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने दुनिया वाले हो मैं अल्लाह पाक कोले दुआ नहीं करदा, क्यों रब नबियां दी दुआ रद्द नहीं करया करदा। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने मैं मेरा दिल करदा मैं अल्लाह पाक कोले दुआ कर देवा, रब कब्र अंदर होण वाला अजाब तुहानू दिखा दे तुहानू सुना दे ताकि तुसी अपनियां अखां दे नाल कब्र दा अजाब देख लवो। नबी पाक फरमांदे ने मैं
मैं दुआ नहीं करता पिया, अगर तुसी अपनिया अखां दे नाल वेख लवोगे, तुसी अपने मुर्दियां नू कब्रस्तान अंदर दाखल नहीं करोगे। इतना सख्त कब्र दा अज़ाब है। नबी पाक फरमांदे ने मैदाना दे अंदर ग्राउंडां दे अंदर अपने मुर्दियां नू सट देवोगे, चिड़िया ते कव्या ते हजरात परिंदियां नू खवाना गवारा कर लवोगे, लेकिन अपने मुर्दियां नू कब्र अंदर दाखल नहीं करोगे। इतना सख्त कब्र दा अज़ाब है। इतनी वईद नबी पाक ने फरमाई है। अल्लाह पाक के दुआए के रब मैनू तेनू भी आखरत दी कब्र दी तैयारी करन दी तौफीक अता फरमाए। लोगो कुरान आंदा मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन नुखरा। मेरा तेरा असल मकान कब्र है, असल घर मेरा तेरा कब्र है। ये अल्लाह जुल जलाल दा कुरान कह रहे है। और कच्चा है मकान तेरा कब्र अंगारिए, और कच्चा है मकान तेरा कब्र अंगारिए। दिसदा ना जिथे कोई बुआ ते ना बारिए, जोड़ कब्र दा यार समान ते आखिर मर वंजना है। चंद दींदा हे मेहमान ते आखिर मर वंजना है। आखिर मर सुरा की जुबान दी समझ आ रही। एक और सुरा की तड़पिया ते पता की आंदा। तेरा बंदे आ कबर ठिकाना तै मुड़ के कोई नहीं आना, तै मुड़ के कोई नहीं आना। ओ तू है रागीर मुसाफिर, मैं हाँ रागीर मुसाफिर, तोर वंजना एक दिन आखिर, आखिर है तोर जाना। तै मुड़ के कोई नहीं आना, तै मुड़ के कोई नहीं आना। ओ तू मिट्टियां दे विच रुल वैसे, बस यारानू बुलवैसे, तेनू छेती है दफनाना, तेनू छेती है दफनाना। तै मुड़ के कोई नहीं आना, तै मुड़ के कोई नहीं आना। ओ गल्ला मेरिया याद करे से, तू महफिल विच कदिया से, तेनू कह गया तीक निमाना, तेनू कह गया तीक निमाना। तै मुड़ के कोई नहीं आना, तेरा बंदे आ कबर ठिकाना, तै मुड़ के कोई नहीं आना। मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन नुखरा। हजरात अल्लाह जुल जलाल दा कुरान मेरी तेरी हकीकत बयान कर रहा है। फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। किते अल्लाह जुल जलाल ने ऐलान कर दिता है, इन्नका मैयतुन व इन्नहुम मैयतून। हजरात जो मेरे तेरे पाक पैगंबर दियां वारियां आईयां, अल्लाह पाक ने कुरान नाजल कर दिता है। फरमाया कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन।
حضرات قرآن میرے تیرے پاک پیغمبر دی رحلت دا تذکرہ کر رہے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ حضرات دنیا عارضی ہے دنیا فانی ہے بقا رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ذوالجلال دی ذات ہے حضرات مرنا تو سب نے ہے کوئی جوانی اندر فوت ہو جاندا ہے کوئی بڑھاپے اندر فوت ہو جاندا ہے کوئی بچپن اندر ہی اللہ پاک دی ملاقات کر لیندا ہے اور ہر انسان نے دنیا چھڈ کے چلے جانا ہے دعا کرو آخری وقت ہوئے اللہ پاک کلمہ شہادت نصیب فرمائے ایمان والی نیکی تے تقوی والی موت اللہ پاک عطا فرمائے حضرات قرآن پڑھ دیاں نماز پڑھ دیاں صدقہ خیرات کر دیاں اوے اللہ پاک دے راہ اندر رب سانو موت عطا فرمائے حضرات اکثر تسی ویکھیا ہوئے گا کہ ساری زندگی بابا رب دے گھر اندر لیکن آخری وقت ہوئے نماز تو باغی ہو جاندا ہے مولانا نواب صدیق الحسن نے اپنی کتاب اندر لکھیا ہے ایک بندہ 20 سال رب دے گھر وچ اذانہ دیندا رہیا ہے حضرات ایک دن اذان دے رہے ہیں اذان دیندیاں گوانڈیاں کا نظر چلی گئی جا کے آندہ میں نے اس بچی دا رشتہ دے دیو وہ آندے نے اسی حسائیاں تو مسلمان ہے کوئی شرم کر کوئی حیاء کر اینجے نہیں ہو سکتا تو مسلمان ہے اسی حسائیاں لہذا رشتہ نہیں ہو سکتا وہ آندہ ایک کیڑی بڑی گال لے اجتے بعد ممی حسائی ہو جانا حضرات حسائی ہو گیا دین تو مرتد ہو گیا اس نے رشتہ طے ہو گیا اجے شادی نہیں ہوئی حضرات مکان بنا رہے ہیں مکان دی چھت چڑیا پیر سلپ ہویا زمین تے گریا من کا ٹوٹ گیا وہ بے ایمان ہو کے جہنم دا بالن بن گیا مرتد ہو کے اللہ پاک دی جہنم دا بالن بن گیا امیاں دعا کریا کر آخری وقت ہوئے اللہ پاک کلمہ شہادت نصیب فرمائے ایمان والی نیکی تے تقوی والی موت اللہ پاک عطا فرمائے جن رب راضی ہو جائے جنت دے دروازے کھل جان اور آواز آئے یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی حضرات رب راضی ہو جائے آؤ پھر دو جملے تے پھر میں اجازت چاہاں گا ٹائم کافی ہو گیا ہے میں بھی ذرا لیٹ آیا لاہور تو سفر کر کے موٹر سائیکل تے تہاڈے کول پہنچے ہیں تے رستے اندر سفر اندر کئی مشکلات بن جاندیاں نے لیٹ واسطے میں معذرت ہاں تے ذرا دو منٹ بیٹھو میں دو جملے پڑھ لینا تے پھر انشاءاللہ اجازت چاہاں گا ایمان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا تیرا دونجا سا مت نہ آوے تیرا دونجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندیا کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا جملیاں تے غور کرے آجے اور کی جوڑ امیر غریباں دے ملتے کفن وی نال نصیباں دے اے جڑے کپڑے بدل تے تو پائے ہوئے نے اے جڑے کپڑے بدل تے تو پائے ہوئے نے تیرے وی لین
जला बंदिया की मान बेगानी दुनिया दा हर कदम संभल के चा बंदिया ते गल सुने जे जेड़े दुनिया ते खान सदा गैनी ओ भी नाल ते कुछ नहीं उचा गैने वीरिया करीमान नहीं अपनी दौलत ते करीमान नहीं अपनी दौलत ते सब छड़ना ते पैन जरा बंदिया की मान बेगानी दुनिया दा हर कदम संभल के चा बंदिया। हजरात अल्लाह पाक के दुआए कि जो कुछ मैं गुनाहगार अदने जे तालबे इल्म ने बयान कीता है अल्लाह सानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए, रब सानू कबर हशर आखरत दी तैयारी करन दी तौफीक अता फरमाए। हजरात नबी पाक ने फरमाया है आमीना दे लाल दी हदीस है, मेरे आका फरमान दिया इस दुनिया दी मिसाल इस तरह है जिवें एक चिड़िया समुंदर दे विचों चुंज पानी दी भर लवे किन्ने को कतरे उनकी चुंज अंदर आ जाएंगे। नबी पाक ने फरमाया ए इतनी को दुनिया है, बाकी सारा समंदर आखरत है। हजरात वो हमेशा दी जिंदगी है, ये आरजी जिंदगी है, और असी समुंदर नु छड़ के चंद पानी दे कतरिया नु तरजीह दे रहे हैं। भला साजनल बड़ा भी कोई नदान हो सकता है। अल्लाह पाक के दुआए कि रब सानू कुरानो हदीस नु समझन दी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक कबर हशर आखरत दी तैयारी करन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।